चैप्टर मटिल्डा केन डू मैजिक। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे मटिल्डा मिस ट्रंचबुल पे उस पानी के ग्लास को सिर्फ घूर करके उन पे गिरा देती है, और यही बात को कैसे वो मिस हनी को सब कुछ एक्सप्लेन करती है। सो उसी स्टोरी के अगले हिस्से को आज हम पढ़ेंगे। आई एम स्टिल नॉट फॉलोइंग यू मिस हनी सेड, डू यू मीन यू एक्चुअली विल द ग्लास टू टिप ओवर। सो मिस हनी उसकी बात को समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बोलती है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो बोलती है कि वो सिर्फ उस ग्लास ऑफ वाटर को सिर्फ स्टेयर करके घूर करके वो उस मिस ट्रंचबुल पे गिरा देती है। सो वही मिस हनी उसको बोलती है कि क्या तुम ये बोल रही हो कि तुमने सिर्फ उसे देख करके उस ग्लास को गिरा दिया था। यस मटिल्डा सेड विथ माई आईज, कि मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था, घूरा था, और अपने आप में अपने मन में ये सोचा कि वो मिस ट्रंचबुल पे गिर जाए, वो गिर गया था। मिस हनी वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, शी डिड नॉट थिंक मटिल्डा मेंट टू लाई। It was more likely that she was simply allowing her vivid imagination to run away with her. So Miss Honey उस Matilda की बात को समझने की कोशिश करती है, और वो सोचती है कि Matilda तो झूठ नहीं बोल रही है, सिर्फ वो अपने imagination, मतलब वो किसी चीज को imagine कर रही है, सोच रही है, और उसी चीज को वो Miss Honey को explain कर रही है। You mean you were sitting where you are now and you told the glass to topple over and it did. So वो बोलती है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि जहां तुम अभी बैठी हुई हो वहीं पे तुम बैठी हुई थी उस वक्त भी, और सिर्फ उस ग्लास को सोची कि वो मिस ट्रंचबुल पे गिर जाए और वो गिर गया। समथिंग लाइक दैट मिस हनी, यस इफ यू डिड दैट देन इट इज जस्ट अबाउट द ग्रेटेस्ट मिराकल अ पर्सन हैज परफॉर्म्ड इन अ लॉन्ग टाइम। सो इस चीज को पूछती है मिस हनी मटिल्डा से, और मटिल्डा बोलती है कि हाँ कुछ ऐसा ही हुआ था। तो मिस हनी उसको रिप्लाई देती है कि अगर सच में ऐसा हुआ है तो अब तक का जितना भी मिराकल हुआ है, मीन्स जो चमत्कार हुआ है, ये उसमें से सबसे बहुत ही बड़ा चमत्कार है जो अभी तक में तुमने किया। आई डिड इट मिस हनी, सो वो बोलती है कि हाँ मैंने यही किया था। इट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थॉट मिस हनी, हाउ ऑफन स्मॉल चिल्ड्रन हैव फ्लाइट्स ऑफ फैंसी लाइक दिस। She decided to put an end to it as gently as possible. Could you do it again? She asked kindly. So वही मिस हनी बोलती है कि ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, क्या तुम इसे फिर से करके दिखा सकती हो? I don't know, Matilda said. But I think I might be able to. So Matilda बोलती है कि मुझे नहीं लगता है, लेकिन हाँ मैं इसे कर सकती हूँ। Miss Honey moved the now empty glass to the middle of the table. Should I put water in it? She asked, smiling a little. सो मिस हनी क्या करती है कि वो जो ग्लास गिरा हुआ था उसको वो टेबल के बीच में रख देती है और पूछती है कि क्या मैं इसमें पानी भी भर दूं? आई डोंट थिंक इट मैटर्स, मटिल्डा सेड, कि मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई मतलब बनता है। वेरी वेल देन गो अहेड एंड टिप इट ओवर। सो मिस हनी बोलती है कि ठीक है तो तुम अब अपना मैजिक शुरू करो। इट मे टेक सम टाइम, सो मटिल्डा बोलती है कि इसमें वक्त लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है। टेक ऑल द टाइम यू वॉन्ट मिस हनी सेड, आई एम इन नो हरी। सो मिस हनी बोलती है ठीक है तुम्हें जितना वक्त लेना है तुम लोग, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मटिल्डा सिटिंग इन द सेकेंड रो अबाउट 10 feet अवे फ्रॉम मिस हनी पुट हर एल्बोज ऑन द डेस्क एंड कप्ड हर फेस इन हर हैंड्स एंड दिस टाइम शी गेव द ऑर्डर राइट इन द बिगिनिंग। टिप ग्लास टिप शी ऑर्डर्ड बट हर लिप्स डिडंट मूव एंड शी मेड नो साउंड। सो क्या होता है कि मटिल्डा सेकेंड रो में बैठी हुई है कम से कम मिस हनी से 10 feet की दूरी पे, और वहीं पे बैठ करके अपने गाल पे अपनी हाथ को रख करके वो शुरू में ही अपने मन में जोर से बोलती है कि टिप ग्लास टिप। She simply shouted the words inside her head. वो अपने दिमाग में ही सिर्फ ये बातों को जोर से चीखती है, मुंह से एक आवाज तक नहीं निकालती है। And now she concentrated the whole of her mind and her brain and her will up into her eyes. And once again, but much more quickly than before, she felt the electricity gathering and the power was beginning to surge and the hotness was coming into the eyeballs. And then the millions of tiny invisible arms with hands on them were shooting out towards the glass. So क्या होता है कि वो अपने माइंड में ही बोलती है टिप ग्लास टिप, और उसके बाद वो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे ध्यान से उस ग्लास को स्टेयर करती है, उसे देखती है, और वो महसूस करती है कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारा ताकत पावर उसके आसपास में उसे घेर लिया है, और उसके आंख से कोई रेस की तरह निकलता है जो कि डायरेक्टली उस ग्लास पे जाता है, और बहुत सारे हाथ मिलकर उस ग्लास को मूव करने की कोशिश करते हैं। And without making any sound at all, she kept shouting inside her head for the glass to go over. She saw it wobble, then it tilted, then it toppled right over and fell with a tinkle on the top tabletop, 12 inches from Miss Honey's folded arms.
सो मिस हनी जहाँ खड़ी थी उनके फोल्डेड आर्म से 12 इंचेस की दूरी पे वो ग्लास ऊपर उठ जाता है. मिस हनीज माउथ ड्रॉप्ड ओपन एंड हर आईज स्ट्रेच्ड सो वाइड यू कुड सी द वाइट ऑल अराउंड. सो उस चीज को देख करके मिस हनी की का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और उसकी आंखें हिल तक नहीं रही थी, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देख रही थी कि ये कैसे हो सकता है. शी कुडंट, द शॉक ऑफ सीइंग द मिरेकल परफॉर्म्ड हैड स्ट्रक हर डंब. और ये जो जादू उनके सामने जो हो गया था उसे देख करके वो एकदम गूंगी हो चुकी थी, कुछ बोल ही नहीं पा रही थी. शी गेप्ड एट हर ग्लास लीनिंग वेल अवे फ्रॉम इट नाउ एज दो इट मे बी अ डेंजरस थिंग्स. सो उसे देख करके वो इतना चौंक गई थी, ऐसा लग रहा था मानो कितना बहुत सा भयानक सा चीज देख ली है. Then slowly she lifted her head and looked at Matilda. She saw the child white in the face, as white as paper, trembling all over, the eyes glazed, staring straight ahead and seeing nothing. So उसके बाद क्या होता है कि वो किसी तरह से होश में आती है और फिर Matilda की तरफ देखती है. उस बच्ची का मुंह पूरा white एकदम उसे लग रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सा ही चमक था. And then suddenly click went her face into a look of almost angelic calm. I'm all right, she said and smiled. I'm quite all right, Miss Honey. And don't be alarmed. So उस मिस हनी को ऐसा शॉक्ड देख करके मटिल्डा बोलती कि मैं ठीक हूँ मिस हनी, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ. यू सीम सो फार अवे, मिस हनी विस्पर्ड ऑस्ट्रक. सो मिस हनी इतनी शॉक्ड हो चुकी थी कि वो बोलती है कि तुम मुझे लग रही है कि बहुत दूर चली गई हो. ओ आई वॉज फ्लाइंग पास्ट द स्टार्स ऑन सिल्वर विंग्स, मटिल्डा सेड. इट वॉज वंडरफुल. Miss Honey was still gazing at the child in absolute wonderment, as though she were the creation, the beginning of the world, the first morning. So Miss Honey उसे constantly Matilda को देख रही थी कि आखिर ये क्या बच्ची है. उसे लग रहा था कि बहुत बड़ा creation, the beginning of the world, the first morning, ऐसा कुछ wonderment means कुछ चमत्कार सा उनके सामने रखा हुआ है. It went much quicker this time, Matilda said quietly. और इस Matilda अपने मन में बोल रही थी कि इस बार ये magic बहुत जल्दी हो चुका था, पिछले बार से काफी जल्दी हो गया. It's not possible, Miss Honey was gasping. I don't believe it. I simply don't believe it. She closed her eyes and kept them closure for quite a while, and then she opened them again. It seemed as though she had gathered herself together. Would you like to come back and have tea at my cottage? She asked. So Miss Honey उसे देख करके सोच रही थी कि ये possible ही नहीं है कि एक छोटी सी बच्ची जो वहां पे बैठी है वहां से 12 feet की दूरी पे यहाँ पे कैसे ऐसे मैजिक कर सकती है. उसे देख करके उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने ऊपर काबू पाती है और फिर Matilda को बोलती है कि क्या तुम मेरे घर पे आ जाके चाय पियोगी. ओ आई वुड लव टू, Matilda सेड. गुड, कलेक्ट योर थिंग्स एंड आई विल मीट कपल ऑफ मिनट्स. सो Matilda बोलती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है मैं जरूर आऊंगी. तो मिस हनी बोलती है कि ठीक है तुम अपना सामान बांधो और दो मिनट में बाहर मुझे मिलो. यू वोंट टेल एनीवन अबाउट दिस थिंग दैट आई डिड विल यू मिस हनी. सो Matilda मिस हनी से पूछते हैं कि जो कुछ भी अभी आपने देखा कि मैंने क्या किया है ये आप किसी को नहीं बोलोगी. आई वुडंट ड्रीम ऑफ इट, मिस हनी सेड. सो मिस हनी बोलती है कि नहीं नहीं इसके बारे में तो मैं सपना भी नहीं देखूंगी. सो ये था आपका स्टोरी जो कि एक Matilda नाम का एक नॉवल से लिया गया है, ये एक एक्सट्रैक्ट है. This was your story. That's all for today. Thank you so much.